सर काफी सारे वीडियोस मैंने आपके देखे जब आप बैटिंग करते करते कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हो, सो कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा मुंह पे आता था? यार मेरा एक फेवरेट गाना किशोर कुमार का चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल की तरह, ये वाला गाना जनरली मैं खुश हूँ उदास हूँ दुखी हूँ जैसा भी मूड में हूँ तो ये वाला गाना सुनता हूँ तो सही हो जाता है। जिनकी बैटिंग देखने के लिए हम आधे घंटे पहले टीवी ऑन करते थे और जिनकी बैटिंग खत्म होती थी बाद में हम टीवी स्विच ऑफ कर देते थे, ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग है हमारे साथ। बहुत सारी मेमोरीज हमारी है उनकी बैटिंग के साथ, उनकी इनिंग्स के साथ, उनके काफ़ी बड़े बड़े छक्कों के साथ, उनकी टेस्ट पारी के साथ, वनडे पारी के साथ, टी20 पारी के साथ, उनकी IPL वाली पारी के साथ भी अहमदाबाद में खुद मैचेस देखने जाया करते थे। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच क्या आपने अहमदाबाद को चुना अपनी ब्रांड VS को लॉन्च करने के लिए। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑन दिस ओकेजन एंड वुड लाइक टू आस्क के अहमदाबाद सबसे पहला मुकाम क्यों? थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में आजकल सब शट डाउन है क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी किए कि 31 मार्च तक बंद रहे कोरोना वायरस की वजह से। अब गुजरात में एक भी केस नहीं आया तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ फ़ायदा उठाते हैं, गुजरात जाते हैं, गुजरात से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बड़ा प्यार दिया मुझे खेलते हुए। और आज जब स्टोर लॉन्च करने के तब भी बड़ा प्यार मिला, मतलब प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि जो मैंने प्लान किया था वो कुछ कर ही नहीं पाया, सिर्फ स्टोर ओपन करके अंदर घुसे, बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो गई। तो अहमदाबाद इसलिए हमने चुना क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोरोना वायरस का कोई एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, सब लोगों के लिए सेफ। वैसे कपिल देव जी ने अपना 434 विकेट का रिकॉर्ड भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में तोड़ा था, सुनील गावस्कर ने 10,000 वाला रन भी पास यही स्टेडियम पे किया था, सो आपका ओपनिंग तो बहुत ही सही जगह पर हुआ है। बिल्कुल, और मेरा आखिरी जो टेस्ट शतक था वो भी अहमदाबाद में। आपकी स्पेशल मेमोरी सर? मेरी स्पेशल मेमोरी वही है कि जो मैंने 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर लास्ट शतक लगाया था, उसके बाद फिर हम लोग आगे नागपुर गए थे, नागपुर में टेस्ट मैच ड्रॉ किया था और फिर वहाँ पर सीरीज हम लोग हार गए थे इंग्लैंड से। यादें कुछ अच्छी नहीं है बट यहाँ की याद अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पुजारा ने मेरे साथ डबल सेंचुरी बनाई थी और हम लोग वो टेस्ट मैच जीते थे। तो जो सीरीज के 4 टेस्ट मैच जीते हुए इकलौता टेस्ट मैच हम लोग अहमदाबाद में जीते। तो वो एक अच्छी मेमोरीज है, जब भी आता हूँ रन बनाता हूँ लोगों का प्यार मिलता है। पार्थिव पटेल हमारे मित्र जो यहाँ रहते हैं तो वो अब खाने में वो ढोकला चावड़ा क्या क्या जो बोलते हैं वो सब लेके आते हैं हमारे लिए, तो बड़ा हमने भी खूब खाया है यहाँ पर गुजराती फूड, बड़ा मज़ा आया। सर थोड़ा एक क्विक फायर क्वेश्चंस है जी। सबसे पहले तो करंटली ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो? यार अभी तक मुझे कोई देखने को मिला नहीं सच्ची बिल्कुल अभी तक नहीं मिला, शायद आने वाले टाइम में मिल जाए। ओके, करंट हुम डू यू थिंक इज द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट? अभी तक मुझे जो लगता है तो मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क वर्ल्ड क्रिकेट। ओके, एंड देन बुमराह, एंड देन आफ्टर दैट बहुत सारे बॉलर हैं बट मिचेल स्टार्क एंड बुमराह दे आर द टू बेस्ट। और एक बॉलर ऐसा कि जिसकी बॉलिंग के लिए आप वेट करते जब आप खेलते थे तो कि ये बॉलर आए तो मैं उसकी बैटिंग। सारे स्पिनर कि अगर मैं स्पिनर तक रुक जाता था तो बस ये था बस इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि अब ये तो बाउंसर नहीं मार सकता। हां, और वो सामने वाला कप्तान कभी भी सहवाग जी क्रीज पे हो तब स्पिनर को बॉलिंग नहीं देते थे, कोशिश करते थे जितनी लेट से लेट दे ताकि आउट हो जाए। यस डेफिनेटली, बट जितने भी स्पिनर थे सबका बेसब्री से इंतजार रहते थे। सर काफी सारे वीडियोस मैंने आपके देखे जब आप बैटिंग करते करते कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हो, सो कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा मुंह पे आता था? यार मेरा एक फेवरेट गाना किशोर कुमार का चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल की तरह, ये वाला गाना जनरली मैं खुश हूँ उदास हूँ दुखी हूँ जैसा भी मूड में हूँ तो ये वाला गाना सुनता हूँ तो सही हो जाता है। सो हाउ वाज दैट हेल्पिंग यू व्हेन यू बैटिंग? हेल्पिंग इन द सेंस कि जब मैं बैटिंग करता था मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि यार मैं आउट हो जाऊँगा, मैं इसको कैसे मारूंगा, या इसको मैंने मारना ही मारना था। इन सब थॉट्स को डिले करने के लिए या हटाने के लिए मैं गाने गाता था क्योंकि गाना गाने के लिए आपको उसकी लिरिक्स याद होनी चाहिए, तो आपका माइंड है वो लिरिक्स पे ध्यान रखेगा, आंखें बॉल को देखेंगे, फिर आप नॉर्मल बॉल की मेरिट पे खेलोगे। सर आप जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो आप जो भी आउटसाइड द ऑफस्टर्न बॉल है उसमें चांस लेते थे, स्विंग एंड मिस भी होता था, बाउंड्रीज छक्के भी लगते थे, लेकिन आप कभी रुकते नहीं थे, तो वो अंदर से ऐसा नहीं होता था कि यार पिच को मैं पढ़ लूँ, रुक जाऊँ, 4 बॉल जाने दूँ, इतना टाइम लगाऊंगा तो जो बॉल आई है मारने की वो मिस हो जाएगी तो इसलिए कभी सोचा नहीं कि ये सब चीज़ों में ध्यान दूँ। तो सर कोशिश ये रहती है ऑफस्टर्न के बाहर बॉल है मारने की मारो यार, अगर लग गई तो चौका है, नहीं लगी तो खाली है, एज लग गया तो आउट है, तीन ही चीज़ हो सकती है।
यस जब वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे और मिस कर गए थे 300, तो आपने बोला था कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंडिया के लिए 300, तो ये आपने कैसे? उस समय मैंने जोश जोश में बोल दिया, मैं 20-21 साल का लड़का था, बट मुझे था कि जिस तरीके से मैं बैटिंग करता हूँ, बड़े फास्ट पेस पर रन बनाता हूँ, तो शायद मैं पहला खिलाड़ी बन सकता हूँ 300 रन बनाने के। बट वो मैंने बोला था, उसके बाद मैं भूल भी गया था, मुझे याद भी नहीं था। तो अभी लेटेस्ट वीवीएस लक्ष्मण की कहीं वीडियो निकली, उन्होंने बताया था, तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बोला था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हो, सरस्वती आपकी ज़बान पर बैठती है, वो सच हो जाता है। यस डेफिनेटली, जैसे मैंने कहीं ना कहीं बोला था कि वीएस स्टोर लॉन्च करेंगे एक दिन, तो आज वो दिन आ गया है कि वीरेंद्र सहवाग के स्टोर लॉन्च हो रहे हैं। सर, वीएस स्टोर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसरीज? ये वीएस स्टोर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स है वो आपको वैसी मिलेगी जैसे आपको और ब्रांड्स में मिलती है, और बट उसके आधे दामों पर आपको मिलेगी। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, मेरे फादर को 1000-2000 रुपये मिलते थे मंथली, उसी में हम गुजारा करते थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो वैल्यू है मनी की वो क्या है। तो अगर आप एक टी शर्ट या एक शॉर्ट्स खरीदते हो या ट्रैक सूट खरीदते हो, तो वो अगर आपको सही वैल्यू में मिलता है और आपका साल निकल देता है उसमें, तो उससे अच्छी और बात क्या होती है। यस सर, आप बॉलिंग बहुत ही अच्छी करते थे, किनको एंजॉय करते थे बॉलिंग करना? सच्ची? हां सर, थैंक गॉड कि वीरेंद्र सहवाग ने वीरेंद्र सहवाग को बॉलिंग नहीं किया, वो छक्के भी मार देता सर। लेकिन आपने आपके विकेट्स भी इतने सारे, आप तो पार्टनरशिप ब्रेकर थे। हां यार, क्योंकि वो मुझे वीक समझ के मारने जाते थे ना, इसलिए आउट हो जाते थे। सर लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा बॉलर था जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे। नहीं सर, मैंने तो आपको जब यंग आए थे, जब आप बहुत ही यंग थे, तब भी आप जो ऐसे ऐसे करके बॉल ऐसे करके वो डालते थे, आपका वो एक्शन पूरा मुझे याद है। क्योंकि ऑफ स्पिन करते हुए मैंने आपकी स्टाइल थोड़ी चोरी कर ली थी, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा इजी था ऑफ स्पिन करना उस टाइम पे। सबसे आसान होता है ना वैसे ऑफ स्पिन करना। हाँ, लेकिन वो टप्पा सही जगह पे गिरना चाहिए सर, वो इंपॉर्टेंट है ना। बट पता नहीं, मैंने विकेट जरूर लिए हैं, शायद 96 विकेट वनडे क्रिकेट में लिए, 41 विकेट मैंने टेस्ट क्रिकेट में लिए, बट वो मजबूरी में मुझे डलवाया कप्तान ने हमेशा कि भाई आप बॉलर थक गए तो आ जा डाल दे, उस मजबूरी का फायदा बैट्समैन उठाने गया तो आउट हो गया। लेकिन फिर भी ऐसा था कि इसको बॉलिंग करना मजा आता है, ऐसा कोई? सच्ची बताऊं तो डर लगता था कि ऑफ स्पिन ऐसी कोई बॉलिंग नहीं है जिससे आप किसी को आउट कर सको, बैट्समैन खुद आउट होता है ऑफ स्पिनर पे, क्योंकि आप खुद ऑफ स्पिनर को छक्का चौका मारते थे, इसलिए तो बॉलरों को डालने मजा आता था। तो पता था इनको थोड़ी सी हल्की फेंको, ये मारने जाएंगे, आउट हो जाए। सर अभी कमेंट्री बॉक्स में भी आप छक्के चौके लगाते हैं? अच्छा, यस। नहीं, अब तो बड़ा टाइम हो गया, मुझे लास्ट कमेंट्री मैंने 2019 वर्ल्ड कप में की थी। हाँ, बट तो भी मजा आता है लोगों को सुनने में। 2019-2020 ईयर। तो अगर किसी को कमेंटेटर बनना है तो सहवाग की तरफ से कुछ खास टिप्स, बिकॉज़ आपकी कमेंट्री अनकन्वेंशनल भी है। देखिए, हमने बहुत सुना है रेडियो में, टीवी में कि बॉल आई आज लगा थर्ड मैन पे, एक रन चौका, ये सब तो लोग अब टीवी में देखते हैं। तो उनके बारे में कम बात करें और कहानियों के बारे में ज़्यादा बात करें, किससे कि कैसे वो अपनी इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, कि अगर ड्रेसिंग रूम में होते तो क्या सोच रहे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में, किससे कहानियाँ जो हमने ड्रेसिंग रूम में की हैं अगर वो बताएं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, स्टोरीज में। यस, तो आप भी अगर कमेंट्री करना चाहते हैं कुछ ऐसी, बट उसके लिए पहले तो आपको उतने लेवल पर खेलना पड़ेगा ताकि आप कहानियाँ सुना सकें। यस यस, आपकी बकेट लिस्ट इतनी सारी इनिंग्स वाली होनी चाहिए। हाँ, तो अगर वो है, आपने उतने मैचेस खेले, तो आप अपनी कहानियाँ ज़रूर बताएं लोगों को कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि उनका ध्यान सुनने वालों और देख जो टीवी देख रहे हैं उनको वो कहानियाँ सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे चौका लगा छक्का लगा तो उन्होंने टीवी में देख ही लिया। इसलिए मैंने वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश की कि कन्वेंशनल कमेंट्री को एक ऐसे किस्से कहानियों में बताऊँ, ऐसे मैं वन लाइनर बोलता था। जैसे मुझे ये भी याद है कि एक ऐसी सिचुएशन थी जब इंडिया के 3 बैट्समैन आउट हो गए थे, चौथा बैट्समैन आया, तो मैंने उसको ऐसे कंपेयर किया कि ये बैट्समैन तो ऐसा है जैसे चाय में पड़ा बिस्कुट, प्यार में पड़ा लड़का और प्रेशर में पड़ा बैट्समैन, किसी काम के नहीं। तो ये ऐसे दिस इज द थिंग जो लोगों को कमेंट्री में बहुत ही अच्छा जुमले सुना है, कुछ अलग हो गया, अलग हो गया, क्योंकि और इन सब की सिचुएशन एक ही होती है कि प्रेशर में जो बैट्समैन होता है वो भी प्यार में पड़ा लड़का जैसा होता है, बेचारे की मजबूरी होती है, कुछ नहीं कर सकते। सर, जब करियर को आपने फाइनली बाय बाय किया कि चलो भाई अब थोड़ा कमेंट्री में आगे बढ़ेंगे, इट्स टाइम टू मूव ऑन, तो कहीं पे आप रिलैक्स होके बैठते हैं, पूरी करियर को देखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ करने की थी वो रह गई, मिस हो गई, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने 8500 रन बनाया, 10000 बना लेता तो भी लोग रिस्पेक्ट तो उतनी देते, डेफिनेटली कम नहीं होने वाले। तो ऐसा बिकॉज़ यू वर डूइंग योर जॉब जो आपको दी गई थी, कुछ नहीं लगा कि मुझे कि शायद मैंने कुछ मिस कर। यस यस डेफिनेटली। सर, आपने एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाया था इंजमामुल हक वाला, जब आप बैटिंग कर रहे थे और आपने कुछ फील्डर हटाने को बोला था इंजमामुल हक को, वन ऑफ द इंटरव्यू मैंने देखा था, वो किस्सा क्या था? मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके उस टाइम मैंने सुना, याद रखा है ना, वॉज डिस्कसिंग, तो क्यों आपने वो प्लेयर हटाने के लिए बोला था और इंजिमा ने हटा भी लिया था प्लेयर? मैंने वो प्लेयर को लॉन्ग ऑफ पे था। अच्छा,
मुझे बहुत देर हो गई थी आराम से सिंगल सिंगल लेते, मुझे लगा यार छक्का मारने का मन कर रहा, तो एक रिक्वेस्ट की थी मैंने इंजमाम-उल-हक़ से कि उस फील्डर को आगे बुला लो मैं छक्का मारूँ। तो आपको लगा था वो करेंगे ऐसा? रिक्वेस्ट करने में क्या यार जैसे आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ की, यस, तो बाकी ऊपर मेरे ऊपर है मानू ना मानू, तो वो मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने मान ली, मैंने छक्का मार दिया, वो फिर वापस पीछे चला गया। वो सब बोलर सर? दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया वो सब बोलर। ओके ओके ग्रेट।